हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है सिवैया खीर की रेसिपी, जिसे आज हम बनाने वाले मदर सिवैया खीर से। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम लाजवाब ये सिवैया बनकर तैयार होती है। आप इसे किसी भी त्योहार में या कभी भी बनाकर खाएं, सभी को ये सिवैया खीर की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये बहुत ही आसानी से और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले लेंगे मदर सिवैया खीर का ये पैकेट, इसके अंदर सब कुछ ऐड है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्राइस है वो भी देख लेते हैं। इसका जो प्राइस है ये देखिए 80 रुपये इसका प्राइस है, और इसका वज़न भी देखते हैं। इसका ये वज़न 180 ग्राम का ये पैकेट है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सी सिवैया खीर की रेसिपी। सबसे पहले इस पैकेट को कट करेंगे। ये देखिए, इस पैकेट को कट कर लिया है। पैकेट को कट करते इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसे एक बर्तन में इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, इसमें पिसी हुई शक्कर है, सिवैया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट है, इलायची पाउडर भी है, जिससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो चलिए फिर इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लेना है। यहाँ पर मैं 500 ml करके 2 बार ले रही हूँ। 1 लीटर कढ़ाई में दूध ले लें और दूध को यहाँ पर चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर दूध में एक अच्छा बॉयल आने तक इसे पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने फुल फैट वाला दूध लिया है। आपको भी दूध फुल फैट वाला लेना है, जिससे सिवैया खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसे इस तरह से चलाकर मीडियम फ्लेम पर अच्छा बॉयल आने तक पका लिया है। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें सिवैया का जो मिक्सर है वो इसे डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और इस तरह से इसे चलाते जाएँ। गैस को फ्लेम को यहाँ मीडियम रखना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके सब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से दूध में मिलाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सिवैया के मिक्सर को दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए, और इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहें और इसे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, सिवैया को पकते हुए 10 मिनट हो चुके, दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया और सिवैया भी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। इसी तरह से इसे चलाकर 10 मिनट और पका लेंगे, जिससे दूध और भी गाढ़ा हो जाए और टेस्टी सिवैया बनकर तैयार हो। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके, देखिए दूध भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया और सिवैया भी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब इससे ज़्यादा इसको यहाँ नहीं पकाएंगे, क्योंकि सिवैया पकने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो गैस के फ्लेम को यहाँ बंद करेंगे। सिवैया को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मदर सिवैया खीर की रेसिपी बनकर तैयार है। ये सिवैया खीर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप भी बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।